हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जावा के व्हाइल लूप के बारे में। तो लूपिंग में व्हाइल लूप सबसे इजी लूप माना जाता है। व्हाइल लूप किसी भी स्टेटमेंट को कंटिन्यूअसली तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि लूप में दी गई कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। और जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंपाइलर लूप के ब्लॉक से एग्जिट हो जाता है। व्हाइल लूप भी आपका फॉर लूप की तरह एक लूप है। तो इसका यूज़ करने के लिए हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में व्हाइल लूप को लिखते हैं। तो इसे प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद कोस्टर में कंडीशन लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो लूप है वो कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद ब्रेसेस में लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाता है जो कि कंपाइलर कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करता है। अगर आप लूप में एक लाइन का स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप बिना ब्रेसेस के भी अपने स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर आप लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो दे रहे हैं आप वो कई लाइन्स का है, इट मीन्स आपका स्टेटमेंट का ग्रुप है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर कोस्टर के अंदर वो चीज़ डिफाइन करनी होती है। एक लाइन होती है तो कोस्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये आपको यहाँ पे सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हमारा जो व्हाइल लूप काम करता है उसका पहला काम है पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन आपने पास की है उसको चेक करना कि वो कंडीशन दी गई ट्रू है या फिर फॉल्स है। दूसरा, अगर दी गई कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, अगर दी गई कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो कंपाइलर उस ब्लॉक से एग्जिट हो जाता है, मींस आपका जो लूप होता है वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तीसरा काम क्या है, अगर दी गई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, दोबारा से अपनी फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है, मींस कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन ट्रू फिर उसे ट्रू मिलती है तो वो उसके लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन आपकी प्रोग्राम में ट्रू रहती है। तो यहाँ पे इसे एक एग्जांपल प्रोग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें यहाँ पर पब्लिक टाइप की मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम दिया है टेस्ट। उसके अंदर हमने अपना मेन मेथड डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है एक्स, जिसको वैल्यू इनिशियलाइज की है क्या 10। उसके बाद हमने व्हाइल लूप का यूज़ किया है जिसमें हमने कंडीशन दी है हमारा जो एक्स है वो क्या हो 20 से छोटा हो। ठीक है, अगर दी गई कंडीशन आपकी ट्रू रहती है कंपाइलर इसके ब्लॉक के अंदर आएगा और इसके स्टेटमेंट को रन कराएगा और क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या है 10 है। ठीक, उसके बाद में हमने देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिफाइन करते हैं हम व्हाइल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है अपने एक्स के साथ में। ठीक है, जैक्स हमने वेरिएबल लिया था उसके साथ। उसके बाद में हमारा एक स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है न्यू लाइन के लिए। देखिए अब तक जो हमने प्रोग्राम बनाए थे उसमें हम लोग यूज़ कर रहे थे प्रिंट एलन का, पर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है प्रिंट का। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट का यूज़ किया है इसीलिए मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर मैंने एक अलग से स्टेटमेंट लिख दिया है न्यू लाइन प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, नीचे हम मेन अपना व्हाइल क्लोज करेंगे, उसके बाद अपनी मेन क्लास और उसके बाद अपना मेथड के बाद में क्लास क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ एक्स 10 और ये काउंटिंग प्रिंट होगी कहाँ तक जाके, वैल्यू ऑफ 19 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो कंडीशन हमने ये दे रखी है कि 20 से क्या हो एक्स की वैल्यू कम हो। जैसे ही 19 पे आएगी 19 को प्रिंट कराएगा और एक्स में जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी आपकी 20। तो यहाँ पे दी गई कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और जो कंपाइलर है वो व्हाइल के ब्लॉक से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा लूप काम करता है। तो यहाँ पर व्हाइल वाले में और फॉर में इतना अंतर है, फॉर में हम एक ही जगह पे तीनों चीज़ों को इनिशियलाइज कर सकते थे, मींस इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जबकि व्हाइल में
इनिशियलाइजेशन हम पहले कर देते हैं प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में, कंडीशन हम वाइल के साथ में दे रहे हैं, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हम अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं।